यार आपने कभी सोचा है कि इंसान मरने के बाद भी इतनी खूबसूरत जगहों में जीवित रह सकता है? अगर नहीं तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ जयपुर की सबसे खूबसूरत जगह में से एक, जिसका रहस्य, जिसकी स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है। सो जिसे जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड गाइस, दिस इज स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है हमारा जयपुर में थर्ड डे, जहां आपको मैं बहुत सारी जगह दिखाने वाली हूँ। बहुत यूनिक यूनिक सी जगह है जो कि सम ऑफ़ दी हिडन प्लेसेस ऑफ जयपुर, जो कि उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बट बहुत खूबसूरत है। सो अपने व्लॉग को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग से दिखाया है। सो दिस इज़ मॉर्निंग एंड आई नो मुझे रूम टूर करवाना था बट बहुत बेकार थी रूम की हालत, तो मैं कभी और करवाऊँगी। एंड दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे। सो गाइस, अगर वीडियो में या फिर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रो दिखाया था वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, सो हम निकल गए हैं रेडी होके ब्रेकफास्ट करके। ब्रेकफास्ट मैंने नहीं शूट किया बिकॉज लेट हो गया था। सो हम रेडी होके, ऊपर से मैंने ये जैकेट डेनिम डाल दिया है बिकॉज आप देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज़ है। सो जहाँ पे भी मुझे फ़ोटोशूट करना होगा, स्टाइल मारना होगा, मैं जैकेट निकाल दूँगी। सो अभी हम निकल गए हैं और हम जा रहे हैं हमारे होटल से। स्टे से हमारे सिर्फ 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे बस स्टॉप है, मेन रोड है। सो हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से हम ऑटो या फिर ई रिक्शा या कुछ भी करेंगे जहाँ तक हमें जाना होगा। सो हम वहाँ जाके ये ऑटो कर लिए थे। ये ऑटो वाले भैया ने हमसे 1000 रुपीज़ पूरा दिन के लिए चार्ज किए थे और हमें जो जो जगह घूमनी थी सारी वो हम घूमने वाले हैं पूरी। सो यहाँ हम सबसे पहली जगह आ गए हैं और इस ब्लॉग में मैं एक ही जगह दिखाऊंगी बिकॉज ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर सी जगह है। सो सबसे पहले ये हम आ गए हैं गैतोर की छतरियों में, जो कि जयपुर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ट्रस्ट मी, दिस प्लेस कैन थ्रिल योर हार्ट। ये जगह 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका आर्किटेक्ट आप देख के यार एकदम बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ की एंट्री फीस 30 रुपीज़ पर पर्सन है एंड ये शाम को आई गेस 5 PM तक ओपन रहता है। एंटर करते ही आपको दिख रहा होगा कि ये सारे ऐसे अलग अलग टॉम्स क्यों बने हुए हैं एंड इतने खूबसूरत से, तो यहाँ की स्टोरी क्या है। सो द थिंग इज, ये जो आप इतनी खूबसूरत सी जगह देख रहे हो ना, ये एक्चुअली एक शमशान है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक शमशान है जो कि है यहाँ के जयपुर के जो राजा महाराजाओं है उनका है ये एक्चुअली में। तो जगह को देख के तो आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा बट मैं बता दूं कि ये शाही शमशान घाट है जहाँ पे सारे राजाओं को, जो पूर्वज राजा थे वो, उन सबको यहाँ पे दफनाया गया था। सो एक्चुअली गैटोर जो नाम है ना, गैटोर की छत्रिया, तो गैटोर का जो मीनिंग, इट्स डिफाइंड फ्रॉम द वर्ड कि गए हुओं का ठोर, मतलब गए हुए लोगों का ठिकाना। सो इसलिए यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं ना, आप जो अलग अलग छत्रियाँ देख रहे होंगे ना, छत्रियाँ इन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो ऊपर का इनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो छत्रियों के आकार का बनाया गया होगा जो छत्रियों को रिसेंबल करता है, दैट्स वाई इसे गैटोर की छत्रियाँ कहा जाता है। सो आप अलग अलग जितने भी छत्रियाँ यहाँ देख रहे हैं सब अलग अलग राजाओं के हैं और इनमें जो यूज़ की हुई है ना मार्बल्स, वो वाइट मार्बल्स यूज़ की गई है, जो एक्चुअल में संगमरमर होती है उनसे आप देख सकते हैं ये बनाया गया है और कितना ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता होगा यार कि मतलब किसी की मौत
के सम्मान में, किसी के राजाओं के सम्मान में उनके मौत को उनको अमर रखने के लिए इतनी खूबसूरत सी चीज़ बनाई जा सकती है। इस गेट से हम अंदर आए और यहाँ पे भी ये जो आप देख रहे हैं इसका भी बहुत एक अच्छा स्टोरी है। यहाँ से एंटर करते ही राइट साइड में एक बड़ा सा बनियान ट्री था एंड वहाँ पे मंदिर भी थे। मंदिर था, राइट साइड में पीपल का पेड़ था बड़ा सा, जो कि काफ़ी 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 ज़्यादा पुराना लग रहा था, आप देख के भी समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट वगैरह भी बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग आते जा रहे थे यहाँ पे। कहते हैं कि राजा माधव सिंह सेकंड को बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, बहुत ही ज़्यादा प्यार था, बट बहुत ही दुआओं और मन्नतों के बाद उनके घर पे एक बेटी और 13 बेटों ने, यस वन डॉटर एंड 13 सन ने जन्म लिया। बट अनफॉर्चुनेटली अनलकीली वहाँ उस टाइम पे पैंडमिक होते थे, तो कोई बड़ी महामारी के चलते उनके 13 के 13 बच्चों का जो है वो उनकी डेथ हो गई एंड उसमें से एक लड़की थी और उनके बाकी लड़कों थे। आप ये जो सेंटर वाली छतरियाँ देख सकते हैं ये थी वो एक डॉटर के लिए, और बाकी जो छोटी छोटी जो छतरियाँ आप सारी जगह देख रहे हैं वो उन बच्चों की याद में बनाई गई है। दिस इज़ अ लिल सैडिंग पार्ट, बट आप देख सकते हैं कि उनके याद में कितनी क्यूट क्यूट से कितने अच्छे से आर्किटेक्ट करके ये छतरियाँ बनाई गई है। यहाँ से स्टेयर्स जाती है ऊपर की तरफ एंड ये स्टेयर्स से जाने के बाद यहाँ से जो है आप चारों तरफ की चारों दिशाओं में जो भी छतरियाँ बनी हैं उनको देख सकते हैं। उस साइड से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है एंड ट्रूली मतलब राजा महाराजाओं को याद रखने के लिए इतनी सुंदर सी जगह बनाई गई है। हम ये तरह देख के आ गए हैं नीचे और ये क्यूट क्यूट से डॉगी सब हमें मिल गए। ये डोर से हम जा रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अभी जो आपने देखा दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड और अब हम चल रहे हैं थर्ड पार्ट में। यहाँ से हमें जाना है अंदर और यहाँ आपको दिखेगा थर्ड पार्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये सारी छतरियाँ भी जो है सब अलग अलग राजाओं की है। और अब अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट करके एंड पूरा गैतोल की छतरियों का टूर करके हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। एंड वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। हम आ गए बाहर और बाहर हमारे ऑटो वाले भैया ऑलरेडी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम ये कैथोर की छतरियों का टूर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से हम चलने वाले हैं और खूबसूरत सी जगह देखने।
सो जो आपको मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो आपको ये शाही शमशान कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और इतना शाही शमशान का टूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत सी हिस्टोरिकल जगह पे। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे फिट, बाय बाय।